छोड़ू बंड बाबू। एक दिन बंड बाबू गांव के जमींदार के पास गए और कहा, जमींदार जी, हमारा देश बहुत दूर है। मैं अभी इस शहर में आया हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। मैं एक बार पहाड़ को भी ऊपर उठाया था। मैं सैकड़ों शेर दूध पीता हूँ। मैं बाघों और शेरों से भी लड़ता हूँ। जमींदार उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी बहुत तारीफ की। ऐसे वीर का हमारे गांव में होना बहुत उपयोगी होगा, कहकर उन्होंने उसका वहां रहने की सभी व्यवस्थाएं की। वास्तव में बंड बाबू के पास वहां कोई काम नहीं होता था। सुबह उठकर व्यायाम करना, राहगीरों को अपनी मांसपेशियां दिखाना, व्यायाम करना और थक जाने की वजह से 50 अंडे, 10 मुर्गे खाकर 100 शेर दूध पीना, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से खराटे मारकर सो जाना, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शहर से सटा एक बड़ी पहाड़ी है। वह पहाड़ एक जंगल की तरह था और उस पहाड़ी पर जंगली जानवर थे। रात में भेड़िए, भालू और शेर जैसे जानवर गांव में आते जाते और अक्सर मवेशियों को उठा कर ले जाते थे। कई बार इंसानों को भी हानि पहुंचाते थे। उस गांव के लोग हमेशा जमींदार से उनकी मुश्किलें दूर करने की शिकायत करते थे। इस बार जमींदार को पंड बाबू और उसके कारनामों की याद आई और कहा, तूने कहा था कि तूने एक पहाड़ उठाकर गिरा दिया है, मुझे वो याद है। अब इस नगर के पास के एक जंगल में एक पहाड़ है, उसे उठाकर फेंक दे। उसके लिए वह वीर सहमत हो गया। बंड बाबू का पर्वत को उठाने का दिन आ ही गया। उस दिन उसने बहुत सारा दूध पिया और सामान्य से अधिक खाना खाया। जमींदार के साथ साथ उस गांव के कई लोग पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर कसरत करने के बाद उसने कहा, जमींदार जी, अपने आदमियों से कहिए कि पहाड़ खोदे, फिर मैं उसे उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा। यह सुनकर जमींदार पागल हो गए। उन्होंने कहा, पहाड़ की खुदाई, आपने तो कहा था कि आप पर्वत को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने पहाड़ उठा लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद उठाकर फेंक दिया, उसने आराम से जवाब दिया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसकी बातों पर यकीन करके हम इसको बेवजह इतने दिनों तक खिला पिला रहे थे, निकालो इसे यहाँ से। इतना कहते ही गाँव वालों ने छोड़ो बंड बाबू को वहाँ से भगा दिया। कहानी की सीख ये है कि अपने आप का बड़प्पन करना कठिनाई लाती है। गंजा भूत भाग एक। एक समय था जब सोमू और दामू नाम के दो चोर थे। इनकी नजर पड़ने की देर है, चाहे कितने भी पहरेदार हों, उस घर को लूट ही जाना था। जो लोग आराम से चोरी करके ठाट से जी रहे थे, उन पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। वह यह कि उन पर एक गंजा भूत का साया पड़ गया था, पीछे पड़ पड़ कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने लगा। रात हुई कि नहीं, जो लोग ऐसे जाते थे मानो कोई अच्छी सी नौकरी के लिए जा रहे हो, वह अब डरने लगे। अरे भाई, क्या लगता है आज भी वो गंजा भूत आएगा क्या? अरे भैया, क्या बताऊँ आपको, सोचते सोचते हाथ कांप रहे हैं। अरे याद मत दिलाओ यार, अरे बड़ा डरावना है। क्या रात में चोरी करने के बजाय दिन में चोरी करना बेहतर होगा? हाँ, अभी तो हम सिर्फ भूत के हाथों पीट रहे हैं, लेकिन तब हमें आसपास के सभी लोग पीट पीट कर मार देंगे। चलो भाई, चुपचाप चलो। दोनों धीरे धीरे चले और एक महंगे बंगले के गेट से कूदकर अंदर चले गए। वहाँ अलमारियों में रखे पैसे और सोने को देखकर वे दंग रह गए। वे जल्दी से अपने साथ लाए बैग भरने लगे। तभी गंजा भूत वहाँ हवा में उड़ते हुए उस बंगले के पास पहुँचा। ओहो, अंदर हो? आ रहा हूँ, तुम लोगों को अभी बताऊंगा।
वह जोर से हंसते हुए बंगले के अंदर चला गया। चोरों ने सारे पैसे और जेवर बैग में भर लिए और जाते जाते टेबल पर रखी अलग अलग खाने पीने की चीजों को देखा। जीवन में पहले कभी इतने प्रकार के खाद्य पदार्थों को एक साथ ना देखने के कारण उनके मुंह में पानी आ गया और खाने के लिए वहां गए। उन्होंने देखा कि भूत कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उसे देखते ही उनके पसीने छूटने लगे। अरे भाई, वो भूत आ गया। चलो चलो, भाग चलो। अरे अरे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पैर चल नहीं रहे। भूत मैडम, लगता है आप पहले पुलिस का काम किया है, इसलिए हम चारों का काम तमाम कर रहे हो। अब हम बचे रहेंगे तो समझदारी से अच्छा काम करेंगे। मैं पुलिस नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे तुमसे बदला लेना है। हमने सुना है कि सांप काटे बदला लेते हैं, लेकिन क्या भूत भी? हम तो छोटे मोटे चोरी करने वाले चिल्लर लोग हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है मैडम? तुमने मेरी उम्मीदों को मार डाला। तुमने मेरी इच्छाओं को नष्ट कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए मुझे बदला लेना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जादुई अजीब जानवर। जंगल में एक बड़ा जादुई अजीब जानवर था। यह देखने में बहुत ही भयानक था। कभी कभी यह हवा में उड़कर आता था और जो भी जानवर मिलता उसे उठा कर ले जाता था। बाप रे, वह भयानक अजीब जानवर यहीं आ रहा है। भागो भागो। जाओ जाओ, किसी दिन तुम भी मेरा आहार बनोगे। जिस जानवर को वो उठाकर ले जाता उसे एक बड़ी गुफा के अंदर ले जाता था और एक जादुई जानवर और एक बूढ़ा चील जो वहाँ रहता था मिलकर खाते। यह जादुई अजीब जानवर इस तरह जंगल में घुस आया है। एक बार की बात है, जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी। इसकी बुद्धि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उससे अपने साथियों की खुशी सही नहीं जाती थी। एक जानवर के बारे में दूसरे को कुछ न कुछ कहकर उनके बीच में झगड़ा कराती थी। उससे वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वह देखकर लोमड़ी को बड़ा मजा आता था। बाद में यह महसूस करते हुए कि उनके बीच की लड़ाई का कारण चालाक लोमड़ी है, सभी जानवर उसकी पिटाई करके वहाँ से भगा दिए। बाद में वह लोमड़ी वहाँ से भागकर छिपने के लिए गुफा में जा पहुँची। उसी गुफा में एक बूढ़ा चील था जिसको उसने अपनी पूरी कहानी बताई। चिंता मत करो दोस्त, मैं तो बस तुम जैसे लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, उनके साथ मैं तुम्हें एक जादुई अजीब जानवर में बदल दूंगा। तुम उड़कर जाओ और उन जानवरों से बदला लो। लेकिन जिस जानवर का तुम शिकार करके लाते हो उसमें आधा जानवर मुझे दे दो, तो 21 जानवरों को खाने के बाद मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा और मैं एक शक्तिशाली जवान जादुई बाज बन जाऊंगा। तो बताओ, तुम तैयार हो? लोमड़ी ने खुशी खुशी उन शब्दों को स्वीकार कर लिया और बूढ़े बाज ने अपने प्रताप से लोमड़ी को एक जादुई जानवर में बदल दिया। लोमड़ी जो तब से एक अजीब जानवर बन गई है, गुस्से में जंगल में जानवरों पर हमला करने लगी। एक दिन भालू जो उस अजीब जानवर के पीछे गया, उसने चुपके से गुफा में हो रही हर चीज को देखा। थोड़ी देर बाद जब जादुई अजीब जानवर बाहर गया, पूरे बाज पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके साथ ही हवा में उड़ने वाला जादुई अजीब जानवर जमीन पर गिर गया और लोमड़ी में बदल गया। उफ, जब मैं वापस पुराने रूप में आ गई, सारी ऊर्जा चली गई है। अब मैं क्या करूं?
तब लोमड़ी सभी जानवरों से घिरी हुई थी। जब भालू ने सबको वह सब कुछ बताया जो उसने गुफा में देखा था, तो उन सभी ने गुस्से में लोमड़ी पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए लोमड़ी भागी और गलती से नदी में कूद गई, धारा में बह गई और मर गई। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे, जैसे ही दुष्ट लोमड़ी के पीड़ा से बच गए। इसीलिए कहा जाता है, बुरे विचार हमें हमेशा हानि पहुंचाते हैं। या, मेरा नाम गजचोर है। मेरी माँ का जन्म सीनियर एनटीआर गजचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मुझे गजचोर उपनाम दिया गया था। उस नाम के देने के बाद भी अगर मैं डाकू नहीं बना तो ये मेरे माँ बाप के लिए अपमान होगा। ये सोचकर मुझे जब से नाम दिया गया है, तब से ही मैं चोरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरा पेशा वरिष्ठ चोर है। मेरा नाम यमचोर है। मेरा जन्म मेरी माँ जूनियर एनटीआर यमचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मेरा नाम यमचोर रखा गया। उस नाम के बाद भी अगर मैं चोर नहीं बनूंगा तो ये हमारे माता पिता का अपमान करने जैसा होगा, और यही सोचकर मैं चोरी करना शुरू कर दिया। अब मेरा पद कनिष्ठ चोर। नमस्कार गजचोर शिक्षक, आज से मैं चोरी करने के लिए एक शिष्य के रूप में आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। यमचोर के शिष्य को जल्दी मिलेगा नंबर वन नेशनल थीफ अवार्ड। अरे यमचोर, आपके पास शिष्य के रूप में नामांकन करने के लिए कौन सी योग्यता है? मुझे पता है कि आप कुछ इस तरह मांगते हैं, तभी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपनी आँखें बंद करते समय आपका पर्स मांग लिया। आपको वापस कर दूं या इसे रख लूं? अरे इससे पहले मेरे पास जिबकतरे और खराना चोर नाम के दो लोग थे, वह है असली शिष्य। मेरे स्केच बनाने से पहले वे अपना काम खत्म कर देते थे, मैं आपको उनके बाद उन स्टैंडर्ड्स के चोर के रूप में देखता हूँ। शाबाश, अच्छे लगे। ये तो आपका प्यार है। चलो ठीक है, तुमने कहाँ तक पढ़ा? बीटेक में कॉलेज टॉपर था गुरु जी। इतना पढ़ाई करने के बाद कोई ऑनलाइन चोरी ना करके इस पुराने रास्ते पर क्यों आए हो भाई? गुरुजी बोर हो गए गुरुजी। दरअसल दूसरा अगर मासूम है तो मांगते ही ओटीपी दे देता है। थोड़ा होशियार हो तो उसका गुरुजी कार्ड स्कैन करके क्लोन करके पूरे अकाउंट खाली कर देता हूँ। क्या बताएं गुरुजी, ये तो बिना हिले डुले एसी केबिन में करने वाले काम है। शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, जो खाते हैं वो पच नहीं रहा है गुरुजी। उस पर बीपी और शुगर, कितने खाते लूटने पर भी, कितना कमा लेने पर भी क्या फायदा। जब सेहत ठीक नहीं है वो पुराने दिन बेहतर थे। अगर चार का पीछा किया जाता, पागलों की तरह दौड़ना, पीछा करना, मस्ती में दीवार कूदना, ये हमारे चोरों के पूरे शरीर को फिट रखता है। इसलिए यमचोर पुराने दिन सुनहरे दिन होते हैं। हाँ गुरुजी। गजचोर गुरुजी, सबसे पहले आप मुझसे चोरी कहाँ करवाएंगे? जुबली हिल्स में या बंजारा हिल्स में? नहीं, छत्तीसगढ़ में। ये क्या, बिहार यूपी राजस्थान से चोर यहाँ आए और हम वहाँ जाए? रोमांच वही तो है, मैं बोलूँगा नहीं, दिखाऊंगा। गुरुजी जब आपने दूसरे राज्य का नाम लिया तो मुझे भी एक अच्छा झटका लगा। कब कब छत्तीसगढ़ जाएंगे ये सोचकर खुशी उमड़ रही है। अब जब तक मैं अपनी चोरी की ताकत नहीं दिखाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोना मत, आज रात को ही हमारा सफर है। बस में या ट्रेन में गुरुजी? हम ऐसी चोरी के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट में। वो देखो हमारा चोरी करने वाला जगह। वाह क्या बात है, लोकेशन जबरदस्त है। बहुत सारे गैंग पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। चोरी करने में इतना तो कंपटीशन होनी ही चाहिए। महिला चोर भी शामिल हो गई है रे भाई। चूंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर चोर रानी प्रकट होती है तो मैच फिक्स कर दूंगा मैं। अरे हमारे पास ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए।
हम पुलिस को मिल जाएंगे। क्या आपने देखा कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी है? हाँ गुरुजी, चोरियां नहीं इस दायरे में होनी चाहिए, लेकिन मैं लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। तुम भी तब से देख रहे हो, वहाँ टीला दिखता नहीं है। टीले जैसा दिखता है। वो टीला क्या है? गोबर का टीला। हाँ, वही हमारा टारगेट है। अभी हम यहाँ गोबर चुराने के लिए फ्लाइट से आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? छी छी, बहुत बदबू। छत्तीसगढ़ मतलब मैंने सोचा कि हम कोई सोने या हीरे की खदान से चोरी करेंगे। छी छी, गोबर ही है कहकर उसे इतनी हीन भाव से मत देखो। घर के चोर, नकाबपोश चोर, लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ आकर गोबर चुरा कर जीवन में सेटल हो जाते हैं। तुम क्या जानो उस गोबर का मूल्य क्या है? बच्चे, गोबर ही तो है कहकर अगर फेंक दोगे तो मैं गला काट दूंगा तेरा। अरे बाप रे, इस गोबर का इतना डिमांड है क्या? क्या तुमने खबर नहीं देखा? हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार इस गोबर को बहुत सारे पैसों से खरीद रही है। चलो उस पैसे से आनंद ले, ठीक है? ठीक है गुरुजी। फिर अटैक करो। चोर, तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे छत्तीसगढ़ लाकर गोबर में विसर्जित कर दिया। डांटो मत यम चोर, कोई खाद पर भी साइलेंसर या लेजर रेस लगाता है क्या?